इस मैप को देखिए और इस मैप को देखिए। ये मैप है इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स के एवरेज इनकम के बारे में और ये मैप है इंडिया में बेरोजगारी के बारे में। इन दोनों मैप्स पर हरियाणा पर नजर डालिए, आपको क्या दिखा कि हरियाणा अमीर भी है और उधर बेरोजगारी भी ज्यादा है। हरियाणा इंडिया में सबसे अमीर स्टेट्स में से एक है पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा में 20% है। इनफैक्ट अगर आप जनवरी 2016 से हर महीने हर स्टेट की अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखोगे तो 30 बार हरियाणा की अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा थी। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको कोई स्टेट ने मैच नहीं किया है। तो फिर सवाल ये है कि पहेली क्या है इस चीज की कि हरियाणा अमीर भी है पर बेरोजगार भी। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में तो हरियाणा की स्टेट भी नहीं थी। August 15th, 1947, Independence Day for India and Pakistan. अब कई समय से हरियाणा का अलग कल्चर और इतिहास जरूर रहा है पर उस समय हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। ये इस वजह से था क्योंकि 1857 में हरियाणा के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक विरोध स्टार्ट किया था। इसी वजह से अंग्रेजों ने हरियाणा को रिबेलियन रीजन बुलाया, एक ऐसा इलाका जिसके लिए अंग्रेजों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ताकि कभी भी हरियाणा से विरोध स्टार्ट ना हुए। तो अंग्रेजों ने एक तरकीब सोची, उन्होंने कहा जो हिंदी स्पीकिंग हरियाणा है उसको हम पंजाबी स्पीकिंग पंजाब से मिला देते हैं। इससे हरियाणा का हिस्सा उत्तर प्रदेश और दिल्ली के हिस्से से अलग हो जाएगा और ये इलाके एकजुट नहीं हो पाएंगे। अंग्रेजों का मानना था कि पंजाब में मिलाकर हरियाणा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करना मुश्किल हो जाएगा। ये सिलसिला अगले करीब 100 साल तक चला। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में तब हरियाणा के लोगों ने सरकार को बताया कि वो खुश नहीं है कि वो पंजाब की स्टेट में मिले जुले हुए। इसके दो कारण थे। पहला कारण था कि वो मानते थे कि पंजाबी एरियाज में जितनी डेवलपमेंट हो रही है वो हरियाणवी एरियाज में नहीं हो रही। चौधरी मनपोल सिंह जिन्होंने कई रैलीज करी हरियाणा के लिए एक सेपरेट स्टेट डिमांड करने के लिए, उन्होंने कहा कि कई सालों से अंग्रेजों की सरकार पंजाबी स्पीकिंग एरियाज को प्रेफरेंस दे रही थी। दूसरा कारण था कि वो मानते थे कि उनके कल्चर को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा पंजाब में। जैसे जहाँ हिंदी के एरियाज में पंजाबी सिखाई जा रही थी स्कूलों में, पंजाबी एरियाज में हिंदी नहीं सिखाई जा रही थी। राइटर अनिल आर्या ने बताया कि इसकी वजह से हरियाणवी खुश नहीं थे। वो ये भी चाहते थे कि उनकी कम्युनिटी से कोई चीफ मिनिस्टर बने। इसकी वजह से 1960s में जब पंजाबी बोलने वाले लोग अपनी स्टेट की डिमांड कर रहे थे, उसी समय पंजाब के हिंदी स्पीकिंग एरियाज में लोग एक हरियाणा स्टेट की डिमांड कर रहे थे और उनकी ये मांग पूरी हुई 1 नवंबर 1966 में, जब पंजाब का बंटवारा 3 हिस्सों में हुआ जिसमें से एक स्टेट बनी हरियाणा, इंडिया की 17th स्टेट। जब IAS ऑफिसर SK मिश्रा को हरियाणा काडर में जाने के लिए बोला तो उनके साथ ही उनका मजाक बनाते थे कि अगर हरियाणा की सरकार उनको पगार ना दे तो वो अपने दोस्तों से पैसा मांग सकते हैं। ये इमेज थी तब हरियाणा के बारे में कि हरियाणा के पास ज्यादा पैसा नहीं है। कई लोगों ने हरियाणा को पंजाब का गरीब रिश्तेदार बताया। उस समय हरियाणा की GDP पंजाब की GDP से आधी थी और अंग्रेजों के समय से ही हरियाणा को बहुत भुगतना पड़ा था। हरियाणा में जमीन की क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी, इसकी वजह से वो गेहूं, कॉटन, इंडिको, जूट, गन्ना, धान उगा सकते थे। जैसे अंग्रेजों ने कभी भी हरियाणा की जमीन की कदर नहीं करी जिसकी वजह से उस इलाके को सूखे से गुजरना पड़ा। एक ऐसी सिचुएशन हुई थी 1860 में जब बारिश नहीं हुई थी और हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग झांज गुड़गांव है उधर एक बहुत बुरा असर पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अंग्रेजी ऑफिसर ने बताया कि जहां पहले दिल्ली और गुड़गांव के इलाके में हमें कई फसलें दिखती थी, आज उधर घास भी नहीं दिखती। और इंडिपेंडेंस के बाद भी हरियाणा की सिचुएशन इतनी बदली नहीं। ऑथर प्रेम चौधरी ने बताया कि इंडिपेंडेंस के बाद हरियाणा में अर्बनाइजेशन की बात करें, एजुकेशन की या फिर इंडस्ट्री की, इन सब की डेवलपमेंट बहुत कम थी और ना के बराबर उधर मिडिल क्लास थी। पर फिर एक चीज हुई जिसने हरियाणा का नक्शा बदल दिया। पर हरियाणा में गरीब किसान ने अपनी मेहनत की कमाई जरूर मिलेगी। सडनली हरियाणा पंजाब को ओवरटेक करने लगा इकोनॉमिक ग्रोथ में, चाहे हम ग्रोथ रेट की बात करें, पर कैपिटा इनकम या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और पंजाब ही नहीं, हरियाणा ने कई और स्टेट्स को पीछे छोड़ दिया जिसकी वजह से आज अब हरियाणा सबसे अमीर स्टेट्स में से एक है। तो हुआ क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी पर उस समय खाने की इतनी कमी थी इंडिया में कि कई एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया कि इंडियंस भुखमरी से मर जाएंगे। 1965 और 1966 में इंडिया को दो ड्राउट्स
या फिर सूखे से गुजरना पड़ा। जो ग्रेन्स की प्रोडक्शन थी वो 20% तक गिर गई थी। उसी समय एक इंडियन साइंटिस्ट एम एस स्वामीनाथन ने एक मेक्सिकन साइंटिस्ट के साथ पार्टनर किया था नई सीड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इन सीड्स की उपज या फिर प्रोडक्शन एबिलिटी बहुत ज्यादा थी, और जब ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुए इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया कि हम ये सीड्स इंडिया में यूज कर सकते हैं। और इन सीड्स के लिए चुनी गई दो स्टेट्स, पंजाब और हरियाणा। क्यों? क्योंकि इन सीड्स की पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और हरियाणा और पंजाब ऐसी स्टेट्स थी जहाँ इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। इसके अलावा रिसेंटली भाखड़ा नंगल डैम भी बनाया गया था, और इसी ग्रीन रेवोल्यूशन ने हरियाणा को पूरी तरह बदल दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हरियाणा जो एक छोटी सी स्टेट थी वो पूरे देश के लिए गेहूं उगाने लग गई। जहाँ हरियाणा की प्रोडक्शन 26 लाख टन थी 1966 में, ये प्रोडक्शन 163 लाख टन हो गई 50 सालों में। 2017 में हरियाणा का सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन था इंडिया के फूड ग्रेन्स में, और बासमती राइस का 60% एक्सपोर्ट हरियाणा से ही आता था। 50 सालों में दूध और अंडों की प्रोडक्शन भी 5 गुना और 160 गुना बढ़ गई है। पर आज हरियाणा में एक कहावत है, मेसी रोटी पकी देसी वो दूध दही का खाना, जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया में हरियाणा अव्वल नंबर पर है जहां आम खाना दूध और दही है। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ जब एनिमल हस्बेंड्री जैसे सेक्टर्स डेवलप हुए तो हरियाणा में लोगों की इनकम बढ़ी, जॉब्स मिली और न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव हुआ। पर केवल इसकी वजह से आज हरियाणा इतना अमीर नहीं है, इसके पीछे एक और कारण है। अगर आप कोई गाड़ी, मोटर बाइक या फिर ट्रैक्टर चलाते हैं, अच्छी चांस है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग हरियाणा में हुई थी। हरियाणा आज एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, और आज करीब 60% गाड़ियां, 50% ट्रैक्टर, 60% मोटरसाइकिल और देश के 50% रेफ्रिजरेटर्स हरियाणा में मैन्युफैक्चर होते हैं। और ये मैन्युफैक्चरिंग भी कोई नई चीज नहीं है। इंडिपेंडेंस के अराउंड केवल 18 इंडस्ट्रीज हरियाणा में थी, जिसमें से करीब आधी अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में थी। पर ये चेंज हुआ 1970s में, जब एक कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली हरियाणा में। इस कंपनी का क्या नाम था? मारुति उद्योग लिमिटेड। जिसके बाद आज हरियाणा की इंडस्ट्रियल ग्रोथ अब ऐसी दिखती है, जहाँ हरियाणा में 8 बड़े बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं और 1000 से ज्यादा कंपनीज हैं जो उधर मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे मारुति, मित्सुबिशी, होंडा, पॉस्को और नेस्ले। इसके पीछे एक कारण बहुत ऑब्वियस है, लोकेशन। हरियाणा दिल्ली से जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट 40% हरियाणा की जमीन नेशनल कैपिटल रीजन में बिलोंग करती है, और 66% दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में है। जिसका मतलब है कि लोकेशन के हिसाब से कई कंपनीज हरियाणा को चूज करती है। हरियाणा की सरकारों ने भी कई कदम उठाए जिससे कंपनीज हरियाणा में इन्वेस्ट करें। जैसे 2006 में हरियाणा हमारे देश में पहली स्टेट्स में से एक बन गई जिसने एक लेबर पॉलिसी अपनाई, जिससे दोनों इम्प्लॉयज और कंपनीज का फायदा हुआ। इसके अलावा 2005 में हरियाणा ने एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म स्टार्ट किया, जिससे कंपनीज को परमिशन लेने के लिए ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़े। हरियाणा सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कई पैसे खर्च करे, और ये कई साल का सिलसिला है। जैसे 1970 में हरियाणा पहली स्टेट बन गई पूरे देश में जिसके हर गाँव में बिजली थी। इस इंफ्रास्ट्रक्चर से हरियाणा के सर्विस सेक्टर को भी फायदा मिला। जैसे हरियाणा के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स 890 करोड़ से 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गए बस 15 सालों में। अगर आप कभी गुरुग्राम जाएंगे तो आपको उधर माइक्रोसॉफ्ट, HCL, गूगल, मोटोरोला और सैमसंग जैसी कंपनीज के ऑफिसेज मिलेंगे। अब हरियाणा की कहानी बहुत अच्छी चल रही थी, पर एक प्रॉब्लम थी। हरियाणा में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन सब घटनाओं के केंद्र में एक ही वजह होती है, वो है बेरोजगारी। हरियाणा में बेरोजगारी की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 2017 से, जहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट मई अगस्त 2017 में करीब 4% थी। करीब 3 महीने बाद ही ये 14% हो गई, और 2018 में 20% से ज्यादा। अब इसके पीछे कई कारण है, इसमें से एक है कि हरियाणवी नौजवान के पास सही स्किल्स नहीं है। इसको हरियाणा सरकार ने भी स्वीकारा है, जिसकी वजह से 2023 के बजट में उन्होंने 250 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया है हरियाणवी नौजवान के स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए। पर अपने स्किल्स अपग्रेड करने के लिए आपको बस सरकार की तरफ ही नहीं देखना है, आप भी अपना भविष्य अपने हाथों में कंट्रोल कर सकते हो, और इस चीज में आपकी मदद कर सकती है स्केलर। scaler.com एक ऑनलाइन टेक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ टॉप टेक कंपनी से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सिखाते हैं। स्केलर का ऑब्जेक्टिव बस एक है कि वो कॉलेज स्टूडेंट्स और इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना चाहते हैं अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। और ये नहीं कि आपने बस पैसे दे दिए स्केलर को और स्केलर आपके बारे में भूल जाएगा,
बल्कि वो आपकी हेल्प करते हैं। जैसे वो आपको वन ऑन वन मेंटरशिप देते हैं करियर और लाइफ एडवाइस के लिए भी। स्केलर के स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट्स अमेज़न और गूगल जैसी टॉप टेक कंपनीज में हुई है, जिससे एवरेज सैलरीज 126% तक बढ़ी है। पढ़ाने के अलावा वो आपको ये भी सिखाते हैं कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं। अगर आपको देखना है कि स्केलर का कंटेंट कैसा है, तो आप कभी भी उनकी फ्री मास्टर क्लासेस देख सकते हैं। वो आपको कई ईएमआई ऑप्शंस भी देते हैं, इंक्लूडिंग 2 साल के लिए 0% ईएमआई। आप उनके एक फ्री लाइव क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हो ये देखने के लिए कि स्केलर में क्या डिफरेंस है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है scaler.com को चेकआउट कीजिए अपने आप को अपस्किल करने के लिए। पर हरियाणा की बेरोजगारी के लिए स्किलिंग बस एक प्रॉब्लम थी। अंजलि यादव फरीदाबाद में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक स्टूडेंट है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो एक जॉब की तलाश में थी, पर उन्होंने एक चीज ठान ली थी। 3 साल के इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स करने के बाद वो कोई भी ऐसी जॉब नहीं लेंगी जिसमें महीने के उनको 20,000 रुपए से कम मिल रहे हैं। पर अंजलि अकेली नहीं है, हरियाणा के कई स्टूडेंट्स ये मानते हैं, और ये एक अनोखी चीज है हरियाणा के बारे में। जैसे इस ग्राफ से आप देख सकते हो कि हरियाणा में सबसे ज्यादा लोग सैलरी जॉब्स चाहते हैं, जबकि दूसरे स्टेट्स में ज्यादातर लोग या तो छोटे ट्रेडर्स हैं या फिर डेली लेबरर्स हैं। इनफैक्ट महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और बंगाल जैसी इंडस्ट्रियल स्टेट्स में भी सैलरीड एम्प्लॉयज की परसेंटेज हरियाणा से कम है। तो आप सोचोगे कि इसकी वजह से बेरोजगारी क्यों ज्यादा है हरियाणा में। वो इसलिए है क्योंकि जहाँ दूसरी स्टेट्स में कुछ लोगों को जिनको नौकरी नहीं मिलती वो या तो डेली लेबरर बन जाते हैं या फिर छोटा सा ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। पर हरियाणा में लोगों को नौकरी चाहिए, और नौकरी चाहिए भी जिसकी सैलरी ठीक ठाक हो, और कोई भी सैलरी की जॉब नहीं चाहिए, वो ठीक ठाक सैलरी होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों है हरियाणा में, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली। आपको पता है तो कॉमेंट करके हमें बता दो। अब कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडस्ट्रियल और सर्विस डेवलपमेंट की वजह से हरियाणा अमीर हुआ है, क्योंकि पहले जहाँ लोग हरियाणा में खेती करते थे अब वो ढंग की जॉब्स करते हैं। पर इसका नुकसान ये है कि अब लोग डेली दिहाड़ी करना नहीं चाहते उधर, ना वो खेतों में काम करना चाहते हैं। आप आने वाली अपनी जो पीढ़ी है, क्या उनसे उनको खेती कराने की नसीहत देंगे या उनसे खेती करवाएंगे आप? नहीं, उनको कोई नसीहत नहीं देंगे। तो वही चीज जिसकी वजह से डेवलपमेंट हो रही है, उसी चीज की वजह से बेरोजगारी भी बढ़ती है। और ये बेरोजगारी तब तक होगी जब तक हरियाणा और इंडस्ट्रियल और सर्विस जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाएगा। दूसरा कारण क्या है, पेपर लीक। जैसे इस वीडियो को देखो, जहाँ हरियाणा के स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ। क्यों? हरियाणा में कांस्टेबल की भर्ती के लिए एग्जाम रखा गया था, 7 तारीख को पेपर कंडक्ट भी किया गया, लेकिन वहीं पर खबर सामने आती है कि पेपर लीक हो चुका है। जगह जगह पर उसकी कॉपियां सामने दिख रही थी, तो 8 तारीख को जो पेपर रखा गया था उसको कैंसिल कर दिया जाता है। पर ऐसे पेपर लीक्स लगातार होते रहते हैं हरियाणा। आप बोलोगे कि ऐसे पेपर लीक तो हर स्टेट में होते हैं, हरियाणा में क्या खास बात है? खास बात है कि हरियाणा में एक पेपर लीक माफिया है। तुम सबकी कामयाबी का रास्ता बहुत ही सस्ता, सिर्फ 2000 में फाइनल ईयर हिस्ट्री के पेपर, सिर्फ 2000 में कर लो दुनिया मुट्ठी में। ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा है कि हरियाणा में गैंग्स हैं जो पैसे लेती हैं पेपर लीक करवाने के लिए। टीजीटी भर्ती का पेपर लीक हो गया, 2022 में डेंटल सर्जन की भर्ती का पेपर। खट्टर साहब, आपसे एक पेपर नहीं कराया जाते सरकार क्या चलाओगे? कहा जाता है कि हरियाणा की ये गैंग्स अब दूसरी स्टेट्स में यही चीज करवाने की कोशिश कर रही है। कई बार तो ये गैंग्स मुन्ना भाई MBBS की तरह चीटिंग भी करवाती थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बेस्ट ऑफ लक। ऐसी चीजों की वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हरियाणा में रेगुलरली हो नहीं पाते, इन्वेस्टिगेशन होती है, और फिर कोर्ट केसेस में क्या होता है, तारीख पर तारीख मिलती रही है। हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुडा ने कहा कि हर साल 2.5 लाख नए लोग जॉब की तलाश में होते हैं हरियाणा में, पर करीब 1 लाख नौजवान ओवर एज हो जाते हैं क्योंकि हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स ठीक से करा नहीं पाते। तीसरा कारण है जिस चीज को हम बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अभी इकोनॉमिक्स में एक टर्म है जिसका सिंपली मतलब है कि कितने परसेंटेज लोग काम करना चाहते हैं, और हरियाणा में ये परसेंटेज पूरे देश के मुकाबले ज्यादा है। इसका मतलब है कि कई हरियाणवी या तो काम कर रहे हैं या फिर काम ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ जाती है अगर वो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं उनको कोई काम नहीं मिलता। अब जैसे हमने पहले बात करी, ये बेरोजगारी कम हो सकती है अगर वो लोग डेली लेबरर का काम करें, पर जैसे हमने बात करी वो लोग एक सैलरीड जॉब की तलाश में है। चौथा कारण है कि हरियाणा में कई स्टेट्स के लोग काम ढूंढ रहे हैं। जब 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन अनाउंस किया था तब कई माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर वापस जा रहे थे, पर हरियाणा के साथ कुछ अजीब चीज हुई। उस समय में भी यूपी और बिहार के लोग हरियाणा आना चाहते थे
काम ढूंढ निकले। लॉकडाउन की वजह से देश भर में मजदूर अपने घर वापस जाने के लिए पलायन कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा की कहानी चौंकाती है। वहाँ रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। देश के कई वर्कर्स हरियाणा आते काम ढूंढने के लिए, और आप इस मैप से ये चीज देख सकते हैं कि हरियाणा 5th मोस्ट पॉपुलर स्टेट है हमारे देश के वर्कर्स के लिए। महेश व्यास कहते हैं कि ऑब्वियसली बात है कि हरियाणा सभी की जरूरतें पूरी नहीं कर पाएगा। सवाल उठता है कि कई वर्कर्स हरियाणा क्यों जाते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं क्योंकि उधर ऑटोमोबाइल और दूसरी इंडस्ट्रीज है। जैसे प्रोफेसर अश्विनी कुमार नंदा ने कहा, हरियाणा में कई बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं जिसकी वजह से वर्कर्स उधर आना चाहते हैं। ये मनोहर लाल खट्टर इन अ मीटिंग इन चरके दादरी अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर चरके दादरी। इसके अलावा हरियाणा के मनरेगा प्रोग्राम में भी जो पगार है वो दूसरी स्टेट्स के मुकाबले ज्यादा है। जैसे 2020 के साल में हरियाणा ने सबसे ज्यादा पैसा दिया था मनरेगा स्कीम के जरिए अपने वर्कर्स को। अनफॉर्चुनेटली बेरोजगारी से कई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, और ऐसा ही हो रहा है हरियाणा में। जैसे आपने बेटी बचाओ कैंपेन के बारे में सुना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर हरियाणा में एक बेटा बचाओ कैंपेन पॉपुलर हो रहा है। क्यों? क्योंकि कई हरियाणवी नौजवान ड्रग्स के जाल में फंस गए हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में धड़ल्ले से नशे का अवैध कारोबार चल रहा है। नशे के इन कारोबारियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। इनफैक्ट पिछले साल ड्रग और अल्कोहल एडिक्शन से हरियाणा में ज्यादा सुइसाइड्स हुई पंजाब के कंपैरिजन से। हरियाणा के फतेहाबाद के भुना कस्बा की दो सगी बहनों ने खुदकुशी कर ली है। और एक बार ऐसे ड्रग्स की लत लग गई तो नौजवान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गांजा, गोली, कैप्सूल और सिगरेट, बियर, दारू, चुपकली की पूंछ 10 साल से स्टार्ट करे थे। हरियाणा के गाँव वाले बलजीत ने कहा कि ड्रग्स के पीछे एक मेजर कारण है बेरोजगारी। वो कहते हैं कि सरकार ने कई जॉब्स तो क्रिएट करी हैं, पर एमए पास भी एक माली की जॉब ले रहा है। नतीजा हरियाणा के पानीपत में दिखता है, जहां 8वीं पास काबिलियत वाली नौकरी के लिए एमबीए, इंजीनियरिंग, एमए, एमकॉम पास बेरोजगार पहुंचे। ऐसे लोग लेबरर का काम नहीं करना चाहते, जिस वजह से वो खाली हाथ बैठते हैं और ड्रग्स के जाल में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे जितने लोग ये बैठे हुए हैं ये सब यही काम करते हैं। जो ड्रग्स के जाल में नहीं फंसते और जिनके पास पैसा है वो एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं। परमजीत कौर हैज अ ड्रीम, शी वांट्स टू लीव हर विलेज इन हरियाणा फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड। परमजीत कौर कहती है कि इंडिया छोड़ना उनका पहला ऑप्शन था नहीं, पर उनको मजबूरन ये करना पड़ा। जर्नलिस्ट ज्योति यादव ने बताया कि कैसे रूरल हरियाणा अब पंजाब की तरह दौड़ में है कि किसी तरह उनका नौजवान यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए। छोटे छोटे शहरों में भी आपको वीजा सेंटर्स और एजेंट ऑफिसर्स दिखेंगे। और जैसे हमने एक पंजाब के वीडियो में बात करी थी, हरियाणा में भी लोग इलीगल एजेंट्स के हाथ लग जाते हैं, जो उनसे लाखों रुपए लेकर इलीगली फॉरेन देश पहुंचाते हैं। और ऐसी चीजों का आप अंजाम देख सकते हैं हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में शेखपुरा गांव में। जब आप गांव में घुसोगे आपको हर चीज नॉर्मल दिखेगी। कई बुजुर्ग हुक्का पी रहे होते हैं, महिलाएं किचन में या फिर खेतों में काम कर रही होती हैं, और बच्चे सड़कों पर खेल रहे होते हैं। पर इस गांव में एक चीज बहुत अजीब है कि आपको नौजवान लड़के और लड़कियां नहीं दिखेंगी। एक बुजुर्ग गांव वाले ने बताया कि पिछले 5 से 6 सालों में करीब 100 नौजवान गांव छोड़कर दूसरे देश चले गए हैं। वो कहते कि आजकल की जनरेशन खेतों में काम नहीं करना चाहती, और अगर हरियाणा में जॉब्स नहीं मिलेंगी उनको तो वो विदेश चले जाएंगे एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। और ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी नामुमकिन नहीं है। ऐसे पेपर लीक की बात करते हैं, अब अगर पेपर लीक से हमारा नौजवान फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो तुरंत इस चीज को सॉल्व करे। अगर सरकार ने ठान ली कि वो उस पेपर लीक माफिया को तोड़ना चाहते हैं तो इसको तोड़ना मुमकिन है। सरकार एग्रो इंडस्ट्री को भी डेवलप कर सकती है जिससे और कई जॉब्स क्रिएट हो जाए। पर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बेरोजगारी की प्रॉब्लम के लिए हम ऐसी चीजें ना कर बैठे जिससे हरियाणा के भविष्य पर एक बहुत बुरा असर पड़ेगा। जैसे रिसेंटली सरकार ने एक लॉ पास किया जिससे 75% प्राइवेट सेक्टर जॉब्स लोकल्स के लिए रिजर्व होगी। अब इससे कई लोग खुश होंगे कि नौजवान को देश छोड़कर नहीं जाना होगा, वो गांव में बैठेंगे या फिर शहरों में बैठेंगे काम करने के लिए। पर कई एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि ऐसी चीजें करने से कंपनीज हरियाणा में शायद लोकेट ना करें, क्योंकि कंपनीज उधर आ रही है लोकेशन की वजह से और अच्छे टैलेंट की वजह से। अगर कंपनीज को अच्छा टैलेंट नहीं मिला तो वो हरियाणा छोड़कर दूसरे स्टेट चले जाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है अभी हरियाणा सरकार के लिए बेटी भी बचाना और बेटों को भी बचाना। घंटों की रिसर्च लगती है ऐसे वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब करना। और अगर आपको हरियाणा के बारे में एक और अच्छा वीडियो देखना है तो इसको देखो, जहां मैं एक दूसरी पहेली के बारे में बात करते हैं कि हरियाणवी गाने YouTube पर इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं, तो उसको जरूर देखना। और स्केलर को चेकआउट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।